99% इंट्राडे ट्रेडर्स को नुकसान होते हैं फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने में। इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। फेक ब्रेकआउट्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां एक नॉर्मल जो नोविस ट्रेडर है उसको लगता है कि हाँ बाजार उसके ट्रेंड के अगेंस्ट जाने लग गया। फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में बाजार चल रहा था, एकदम से ब्रेकआउट की रैली आई, उसको लगा रैली सस्टेन करेगी, फेल करती है, लॉसेस होते हैं, जिसके वजह से वहां पे वो ऑप्शंस बाय कर लेता है। फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में बाजार चल रहा था, एक फेक ब्रेकआउट आया, वो कॉल ऑप्शन को बाय करके बैठ जाता है और नुकसान झेलता है। उसको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता कि वो नुकसान क्यों हुआ, वो ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ। वैसे ही अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा था और वहीं पे एकदम से गिरावट आने लगती है, तो वहां पुट ऑप्शन को बाय कर लेता है इमीडिएटली। फोमो का शिकार वो रहता है, उसको नहीं पता होता कि वो फेक ब्रेकडाउन है। वहां पे पुट ऑप्शन को बाय करता है, वहां से फिर से एक रैली आती है और वो रैली कंटिन्यू हो जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेक ब्रेकआउट्स कैसे देखे जाते हैं, फेक ब्रेकआउट्स को कैसे हैंडल किया जाए और पैसा कैसे बनाया जाए। जी हाँ, अगर आपकी 99% प्रॉब्लम दूर हो जाए तो पैसा जरूर बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। जनरली ट्रेंड तीन तरह के देखे जाते हैं जो सबको मालूम है। पहला है अप ट्रेंड, जहां बाजार एक हायर हाई और हायर लो की सीरीज बना रहा था, उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। दूसरा कहा जाता है जो बहुत ही कॉमन है, दैट इज डाउन ट्रेंड, जहां पे बाजार एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज को बना रहा होता है। तो तीसरा होता है साइडवेज। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जहां पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी कभी इसमें फंसे हैं, आपको भी साइडवेज में लॉसेज हुए, तो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। देखते हैं कि कितने लोग इसके शिकार हुए। मैं भी कभी ना कभी इसमें शिकार हुआ था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ माई एक्सपर्टीज प्रैक्टिस करता रहता हूँ। बाजार को कभी भी ये नहीं समझता कि मैंने बाजार के ऊपर महारत हासिल कर लिया, तो इसलिए मुझे बाजार रिवार्ड करता रहता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके तय होने चाहिए, पैसा आएगा ही आएगा। साइडवेज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे बाजार एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, एक लिमिटेड हाई और लिमिटेड लो के बीच में एक बाजार ट्रेड कर रहा होता है, आपका प्राइस ट्रेड कर रहा होता है। जनरली लोग क्या करते हैं इस केसेस में, पब्लिक को जो नुकसान जो रहता है वो देखिए। फॉर एग्जांपल अब तीनों ट्रेंड्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे होते हैं वो समझने वाली बात करते हैं। पहले अगर हम देखें अप ट्रेंड की शुरुआत करें, तो बाजार अप ट्रेंड में जा रहा था, हायर हाई हायर लो बना रहा था। वहीं पर जब बाजार डाउन ट्रेंड आने लगता है, तो ये हम इसे कहते हैं ब्रेकडाउन, इसे कहते हैं हम ब्रेकडाउन। तो यहां पे जब प्राइस पहली बार लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ चलता है, तो ये ब्रेकडाउन कहलाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यहां आती है कि ये वापस जाता है और फिर से एक रैली में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे 90% लोगों को लॉसेस हो चुके होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। यहां पे वो पुट ऑप्शन को बाय करते हैं और पुट ऑप्शन को लॉस लेके जाती है। वैसे ही अगर बाजार का डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, तो बाजार एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म कर रहा होता है, बाजार नीचे जाना होता है, बाजार अब कहीं ना कहीं एक ये ब्रेकआउट जो देता है यहां इस पॉइंट से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा हुआ ब्रेकआउट। मतलब डाउन ट्रेंड में आपको ब्रेकआउट मिलेगा और अप ट्रेंड में आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पे बाजार फिर क्या करता है, बाजार फिर से थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। यहां पे इस केसेस में लोग सीई लेके फंस जाते हैं, कॉल लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, पैसा नुकसान करते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है साइडवेज मार्केट में। अब साइडवेज मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब बाजार जब एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, तो बाजार में लोगों को लगता है भैया ये अपसाइड की मूवमेंट जो आती है ये एक ब्रेकआउट कहलाता है, या ये मूवमेंट नीचे की तरफ आती है, नीचे की जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो इसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। अब जल्दी से बताइए कितने लोग यहां पर कॉल ऑप्शन को लेकर फंसे हैं और कितने लोग यहां पे पुट ऑप्शन को लेके फंसे हैं। दोस्तों ये पाठशाला है, स्टॉक्स पाठशाला, ठीक है ना। यहां पे आपको सब चीजें बहुत ही आसानी से हाथ पकड़ के सिखाने वाला हूं, तो चैनल पे बने रहना, बहुत अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। ये नया चैनल है, यहां पे हम स्टॉक मार्केट के सब सीक्रेट्स डिस्कस करने वाले जो महंगे महंगे पेड कोर्सेज में देखे जाते हैं, राइट। तो ये तीन सिचुएशंस हैं, इन तीन सिचुएशंस में अक्सर लॉसेस होते हैं। अब लॉसेस तो पता लग गए, प्रॉब्लम पता लगी, अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में इसका सोल्यूशन ना मिले तो बेकार है। वीडियो को बिल्कुल भी लेंदी नहीं करेंगे, शॉर्टकट करेंगे ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। तो इस चीज को टैकल करने के लिए सबसे बड़ी हेल्प आपकी क्या हो सकती है, सबसे पहले आपको वेट करना चाहिए रीटेस्टिंग का। जब तक प्राइस आपके ट्रेंड में रीटेस्ट ना करे, आप उस पर काम नहीं करेंगे। सेकंड है, पहले डिस्कस कर लेते हैं, एक एक को आइडेंटिफाई करेंगे। वॉल्यूम, अगर आपके ब्रेकआउट्स वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, ब्रेकडाउन्स वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, तो फॉल्स रहने वाले हैं। थर्ड कैसे रह सकते हैं, क्या हो सकता है, प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जी हाँ, थर्ड रहेगा कन्फर्मेशंस। मतलब अगर आप कोई और इंडिकेटर यूज करते हैं, कोई और स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, कोई टाइम फ्रेम पे कंफर्म करना है, कंफर्म कीजिए। कंफर्म करेंगे, रीकन्फर्म करने में कोई हर्ज नहीं है। फोमो का शिकार मत होइए। फोमो
किल्स, क्योंकि फोमो में क्या है, आपको लगे यार भाग गया, आपके हाथ से छूट गया, बट ये हमेशा किल करेगा आपको, आपके ट्रेड को गलत साबित करेगा, आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। तो रीटेस्टिंग का मतलब है, जब तक मान लीजिए बाजार एक डाउन ट्रेंड में था, बाजार ने डाउन ट्रेंड में एक ब्रेकआउट दिया, वापस जब तक वो ब्रेकआउट को सस्टेन ना करे, ये रीटेस्टिंग है। रीटेस्ट करके ना चले जब तक आप मत लीजिए, फिर रीटेस्टिंग करने के बाद में यहां ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ये तो हुई रीटेस्टिंग। वैसे ही मान लीजिए बाजार अप ट्रेंड में था और उसके बाद बाजार ने गिरना स्टार्ट किया, गिरने के तुरंत इस पोजीशन पे आपको प्रोटेक्शन को लेने की जरूरत नहीं है। जब बाजार रीटेस्ट करे, वापस इस रेंज को फेल करे और वापस नीचे की तरफ चले, तो आप इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आप ये ट्रेड ले सकते हैं, यहां पे आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं और यहां पे आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, सिर्फ रीटेस्ट के ऊपर में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि हाँ ब्रेकआउट की आपकी गलतियां सिंपल समझ में आ रही है, आपके दिमाग में गलतियां घूम रही है आपकी, तो प्लीज लाइक दबाइए। सेकेंड रीटेस्टिंग है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल बाजार ने एक रेंज थी, उस रेंज को बाजार ने ब्रेक किया, तो इस रेंज पे जो वॉल्यूम का वॉल्यूम बार आप लगाते हैं, वॉल्यूम का एक हमारा एक इंडिकेटर रहता है, वो किसी भी चार्ट पे आपको मिलेगा। मैं फायर्स को यूज करता हूँ, फायर्स बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको वहां पे अकाउंट खोलना है या जीरो आप सब किसी भी खोलना है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक है, क्योंकि चार्ट पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, चार्ट नहीं सीखेंगे, मजा नहीं आने वाला है। तो चार्ट अच्छा होना चाहिए, जिसमें भी चाहे अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं फ्री, तो हमारे साथ आप फ्री लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेली 9 से 11 2 घंटे काम करिए, डेली 5 से 10 हजार कमाइए और घर जाइए। अब कहानी क्या, देखिए जो वॉल्यूम, अगर मान लीजिए प्रीवियस ये जो ट्रेंड चल रहा था, यहां से ब्रेकडाउन हुआ है, अगर ब्रेकडाउन इस वॉल्यूम से, जो ब्रेकडाउन की जो कैंडल है, जो वॉल्यूम कैंडल है, जो वॉल्यूम बार है, अगर वो इस प्राइस एक्शन के ऊपर में कम है, हल्का है, नेग्लिजिबल है, तो ये ब्रेकआउट फेल हो सकते हैं। अगर यहां पे ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है और ये जो पुरानी जो वॉल्यूम चल रही थी पिछले टाइम, पिछले 4-5 कैंडल्स की जो वॉल्यूम थी, और ये जो फॉल करने वाली कैंडल है इसकी वॉल्यूम उससे हाई है, तो ये सपोर्टेड है, मतलब ये फेक नहीं है, ये रियल हो सकता है। वैसे ही अगर कोई प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है और यहां पे जो वॉल्यूम बार थी आपके पास में, सपोज कीजिए ये वॉल्यूम्स थी और यहां पे इस कैंडल के ऊपर में आपकी वॉल्यूम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम से सपोर्ट हो रहा है, तो मतलब ये फेक आउट नहीं है, ये ब्रेकआउट है। ये तो हुई दो चीजें, रीटेस्ट ना करे जब तक काम नहीं करना, वॉल्यूम सपोर्टेड हो तब तक काम नहीं करना। तीसरी है कंफर्मेशंस। अब कंफर्मेशंस कैसे हो सकती है, चलिए ध्यान से समझते हैं। थर्ड है कंफर्मेशंस। कंफर्मेशंस क्या हो सकती है, देखिए स्पेलिंग की बजाय दिमाग लगाइए, कंफर्मेशंस कैसे हो सकती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सबसे सिंपल है, जब आप प्रो लेवल पे जाएंगे तब हम कुछ और डिस्कस करेंगे, पर अभी बिगिनर्स के लिए या बिगिनर्स और प्रो के जो बीच में लोग हैं, प्रो वाले लोगों के लिए बहुत काम करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट के साथ में वो मेजर होना चाहिए, मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए प्राइस आपका ये प्राइस चल रहा है ना, ये प्राइस चल रहा था, तो मतलब आप देखेंगे कि ये पुराने जो सपोर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं बाजार यहाँ आता है, वापस से रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है। अगर दोबारा से रैली यहीं पे सपोर्ट लेके जा रही है, तो समझ सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फिर से सही हो सकते हैं। या मान लीजिए प्राइस नीचे गिराया था बट यहाँ से गिरा, यहाँ से भागा, क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक सपोर्ट सिस्टम था, सपोर्ट था, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको कन्फर्मेशंस मिल रही है। आप यहाँ पे आप RSI का हेल्प भी ले सकते हैं, अगर RSI 30 से मूव कर रही है, अगर 30 से ऊपर चलना स्टार्ट हुई है, ये बड़ा अच्छा सपोर्ट कन्फर्मेशन हो सकता है। आप ADX को यूज़ कर सकते हैं, ADX अगर मान लीजिए 20 से ऊपर की तरफ घूमना स्टार्ट हुआ है, तो मतलब इस स्ट्रेंथ में, इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ आने वाली है। आप MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देख सकते हैं, अगर MACD के पॉजिटिव क्रॉसओवर है तो ब्रेकआउट्स को सस्टेन कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव क्रॉसओवर MACD RSI ADX से सपोर्टेड है और सपोर्ट जोन पे आ रहा है, वॉल्यूम्स भी उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो ब्रेकआउट जेन्युइन होने के चांसेस कितने हो जाते हैं, 90% प्लस, 90% से ज्यादा के चांसेस वो हो जाते हैं। जी हाँ, जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं, चाहे वो डबल बॉटम हो, चाहे वो डबल टॉप हो, वो सब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको काम करते दिखाई देंगे। सब कुछ सीख लीजिए, पर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं सीख रहे हैं, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो बिलीव मी आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। आज का ट्रेंड चल पड़ा है कि ओल्ड स्कूल टेक्निक्स को छोड़ दीजिए। अरे भाई, ओल्ड स्कूल टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। अगर आप राहुल द्रविड़ की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, आप विराट कोहली की बात करें, किसी भी एबी डिविलियर्स की बात करें, सबने पहले ओल्ड स्कूल टेक्निक्स पे ही बैटिंग सीखी है, उसके बाद वो अपनी इनोवेशंस लेके आते हैं। पर आपको बेस का जानना बड़ा जरूरी है। क्या क्या आज यूट्यूब पे ना नॉइस बहुत है, नॉइस का मतलब जो भी नया बच्चा पैदा हो रहा है, जो इस मार्केट में आ रहा है ना, वो अपने आपको ट्रेडर दिखा रहा है। बस आके ट्रेंड के बहाव में हर कोई कमा लेता है गाइस, बट प्रॉब्लम वहां आती है जब वो फंसता है। साइडवेज मार्केट में जब पिटाई होती ना,
तो बहुत बुरी पिटाई होती है। मुझे पता है आप सब लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेली पैसे बनाना चाहते हैं, अगर डेली 2 से 4 हज़ार रुपये कमाने, 2 से 5 हज़ार रुपये कमाने हैं तो आप डेली इसी चैनल पे लाइव सेशन होता है सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको 4 से 6 ट्रेड मिल जाते हैं बहुत बढ़िया वाले स्कैल्पिंग के ऑप्शंस में, ऑप्शंस बाइंग करके। जी हाँ, नेकेड ऑप्शंस बाइंग करके डेली पैसा बन रहा है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन पर हिट रखिए, और अभी तक लाइव सेशन नहीं देखे तो प्लीज जाके रिकॉर्डिंग है जाके देखिए, और आइए एक हफ्ता दीजिए, प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा, एक हफ्ता दीजिए, देखिए कैसे माइंड ब्लोइंग ट्रेडिंग होती है। ये सब चीजें आपके सामने बिल्कुल फ्री है, इसको एंजॉय कीजिए। चलिए कुछ चार्ट को देख लेते हैं, समझ में आता है कि क्या ब्रेकआउट्स को हम वॉल्यूम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है, कंटिन्यू करें। चलिए दोस्तों, ये फ्राइडे का कल का चार्ट है, देखिए बिल्कुल लाइव चार्ट है। यहां पे बाजार का एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा था, बाजार कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, वहां बाजार ने एक सपोर्ट लिया, डबल बॉटम फॉर्मेशन करने की कोशिश की, बाजार कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद बाजार ने यहां पे एक ब्रेकआउट दिया। क्या आप इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम से चेक कर सकते हैं? नीचे वॉल्यूम बार लगा के रखिए, इस वॉल्यूम बार को देखिए, आपको पता लगेगा कि पुरानी जितनी भी फॉलिंग कैंडल्स थी, मतलब अगर कैंडल्स का ट्रेंड देखेंगे तो यहां पे वॉल्यूम ड्राई आउट कर रही थी, अचानक से सपोर्ट मिला वॉल्यूम का और फिर उसके बाद रैली कंटिन्यू हो गई, करेक्ट। अभी अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के अंदर में बड़ा ध्यान से देखिएगा दोनों चीजों के अंदर में, ब्रेकआउट फेक और रियल ब्रेकआउट आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स देखना चाहें देख सकते हैं आप, बैक टेस्टिंग कीजिए, आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाता हूं मैं। अब यहां पे एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में बाजार ने कंसोलिडेट किया पर एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद में अगर आप यहां पे इस रेंज को मार्क करते हैं तो यहां पे देखिए फिर दोबारा से बाजार ने चलना स्टार्ट किया। बाजार को चलने के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम्स। अब यहां पे जरा प्लीज ध्यान लगाइए वॉल्यूम्स है कि नहीं, वॉल्यूम्स आपको कहां मिलती है? यहां पे जब वॉल्यूम्स मिलती हैं, जब ब्रेकआउट होता है तो यहां देख सकते हैं कि यहां पे जो वॉल्यूम थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी स्टार्ट हुई और फिर से वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। कुछ लोग यहां पे पुट ऑप्शन को लेके फंस गए होंगे, और यहां अगर किसी ने बहुत तगड़ा स्कैल्पर है तो पैसे जरूर बनाए होंगे, बट नॉर्मल जनरल पब्लिक यहां फंस जाती है, और यहां से फिर से वो रिज्यूम हुआ ट्रेंड। क्यों हुआ? वॉल्यूम की वजह से। पीछे चलते हैं देखते हैं क्या और ऐसा कुछ हुआ दिखाई देता है, यहां पर दिखाई देता। चलिए इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, बाजार का एक डाउन ट्रेंड था, एक साइडवेज मूवमेंट थी, बाजार ने ओपनिंग के साथ में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, मतलब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद में जो वॉल्यूम्स थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो सेलिंग वॉल्यूम्स थी वो ड्राई आउट हुई, पॉजिटिव वॉल्यूम्स जो ग्रीन कैंडल्स है वॉल्यूम में वो आने स्टार्ट हुई और ये ट्रेंड यहां से रिज्यूम हुआ। तो ये जो डाउन ट्रेंड था खत्म हुआ, अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ, सपोर्ट किसने किया? वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव्स। देखिए लगातार 4-5 कैंडल्स आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं बढ़ती हुई, है ना, पीछे रेड कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी थी, अब रेड कैंडल्स गायब होगी वॉल्यूम बार के अंदर में, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ये ब्रेकआउट बहुत शानदार था और ये फिर कंटिन्यू हुआ क्योंकि सेलिंग, अगर सेलिंग के वॉल्यूम आपको दिखाई दीजिए गए, बट पुराने ट्रेंड को बाजार ने हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंटिन्यू किया। अब एक फॉल आया, देखिए ये फॉल था, अब ये फॉल में आप वॉल्यूम्स को अगर चेक करेंगे तो क्या था, क्या यहाँ पे सेलिंग हो रही थी? नहीं, यहां पे हो रही थी बाइंग। तो अगर आप बाइंग हो रही थी तो आपको यहां पे शॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी, और जनरली मैं इतनी बड़ी कैंडल को गाइस मैं कहता हूं स्टॉप लॉस कैंडल, ये होती है स्टॉप लॉस कैंडल, ये लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आई जाती है। जब कैंडल कैंडल पे आपको बाइंग का सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो वो सेलिंग हो ही नहीं सकती। ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ में आएंगी। फिर से दोबारा एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, रेंज ब्रेकआउट ही कंटिन्यू हुआ, वॉल्यूम्स वापस से आपको सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। देखिए मैंने आपको कहा था कि आप RSI का सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने RSI लगाई, डिफॉल्ट RSI है 70-30 की। RSI को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसपे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टेड मिल रहा है आपको, वॉल्यूम्स अच्छी दिखाई दे रही है, वॉल्यूम्स भी पॉजिटिव है, और RSI को देखिए बिल्कुल इसी पॉइंट पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो RSI कहाँ पे, RSI इज मूविंग अबाउट 30, तो 30 से जब ऊपर की तरफ घूमना स्टार्ट हो रही है मतलब बाजार में स्ट्रेंथ आ रही है, वॉल्यूम सपोर्टेड है, RSI सपोर्ट कर रही है, तो कैन वी राइट द ट्रेंड? Yes, we can write it. MACD लगा के देखें, MACD ने क्या रिस्पॉन्स दिया हमें यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पॉइंट के ऊपर में आप यहाँ जाएंगे MACD। चलिए बहुत ही फेवरेट इंडिकेटर लोगों का, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो MACD के अंदर भी आपको क्या दिखाई दे, MACD में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, MACD का हिस्टोग्राम देखिए, पॉजिटिव हिस्टोग्राम, पॉजिटिव क्रॉसओवर, जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है। RSI का आपको स्ट्रेंथ मिल गई, MACD की स्ट्रेंथ मिल गई, वॉल्यूम की स्ट्रेंथ मिल गई, और आपको क्या चाहिए? चलिए बाकी एग्जांपल आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप घर जाके बहुत सारी स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि आपने कितने एग्जांपल्स देखे, किस किस शेयर में आपने ये फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। चलिए वीडियो को समराइज करते हैं और देखते हैं सबसे पहली चीजें क्या थी, क्या क्या रूल्स है। सबसे पहले आप जब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आपको रीटेस्टिंग ना मिले, करेक्ट। सेकेंड,
उसको क्रॉस चेक करेंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव आना चाहिए। थर्ड कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशंस कहां से लेंगे आप? RSI की कन्फर्मेशन लीजिए, MACD की कन्फर्मेशन लीजिए, आपका जो भी फेवरेट इंडिकेटर हो। अगर आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स आपको सेम जगह पे पॉजिटिव या नेगेटिव जिस भी ट्रेंड में आप ट्रेड करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई दी ट्रेंड। जी हाँ, पहले आप ये देखिए कि आपका ट्रेंड क्या है। अगर ऊपर का ट्रेंड है तो क्या आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चाहते हैं, डाउन ट्रेंड है तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का ट्रेड लेना चाहते हैं, रीटेस्टिंग हुई है, कंटिन्यू हुई है तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अप ट्रेंड में था, रीटेस्टिंग हुई, फिर से निकला, यहाँ ट्रेड लेंगे ब्रेकआउट पे सी का या ब्रेकडाउन पे पी का। बट कन्फर्मेशंस होनी जरूरी है, और कन्फर्मेशंस के लिए आप अपने फेवरेट इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया गाइस। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा बड़ा जबरदस्त, सिंपल लैंग्वेज में डेली मोटिवेट करूंगा कि बाजार से पैसा बनाना आसान है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा पसंद आया नहीं है, दोस्तों शेयर करना मत भूलना, क्योंकि लोग शायद ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हैं जो सिंपल हो, बिल्कुल रियलिस्टिक हो। और लाइव सेशन में अगर ट्रेडिंग करनी है तो सुबह 9 से 11 मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।